और फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे पास ये साउंड स्टैंडर्ड की CA18 ये एम्पलीफायर आया हुआ है। इस एम्पलीफायर में आपके जो ये सप्लाई बोर्ड है, ये सप्लाई बोर्ड जल गया है। पंद्रह हज़ार 80 वोल्ट के इसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं। दोस्तों, ये मशीन आई है और इसके ये चैनल है दोनों, ये इसकी सप्लाई है। तो ये कंप्लीट रिपेयर होगी। इसके ये जो प्रिंट वगैरह हैं ये जल गए हैं। ये दूर से आई है मशीन है और आज इस वीडियो में ये CA18 जो ये मशीन है साउंड स्टैंडर्ड की, इसकी ये सप्लाई ये पहले रिपेयर करेंगे, इसको साफ़ करेंगे, यहाँ से इसके प्रिंट बनेंगे। प्रिंट दोनों तरफ से ही ख़राब हो चुके हैं इसके। ये यहाँ से कंडेंसर के से जल चुका है और इसका जो जला हुआ कंडेंसर है, कैपेसिटर है, वो ये रहा बहुत बुरी तरीके से। इसका ये ख़राब हुआ है, ये देखिए फ्रेंड्स। हम आज इसी एम्पलीफायर में ये देखेंगे कि इसके ये प्रिंट कहाँ से बनते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें। इसकी ये डायोड है, रेक्टिफायर है, ये भी इसमें शॉर्ट हो सकती है। और यहाँ से इसके ये जो फैन के और जो 15 वोल्ट प्लस माइनस है, वो भी इसके कनेक्टर हैं, वो भी जल गए थे इसमें। हमने इसको पूरी को साफ किया है। ये इसका बैकबोर्ड है, ये इसका टोराइडल ट्रांसफार्मर है, बाकी मशीन फ्रेश है। ये चैनल का है, चैनल सप्लाई बनेगी इसकी तब पता चलेगा, बाकी अभी तो ये ठीक बता रहे हैं। ये कहीं से भी कोई जले हुए नहीं है। तो इसकी पावर सप्लाई ठीक करेंगे। साउंड स्टैंडर्ड CA18 ये एच क्लास प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर है और इसकी सप्लाई और इसके ये चैनल है। इस वीडियो में इसके चैनल की भी जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा क्या दिक्कत है इसमें, चैनल में भी, चैनल शॉर्टिंग पे है, प्रोटेक्शन पे है, क्या है वो। इसकी सप्लाई लगेगी तब ही पता चलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये पावर सप्लाई इसकी रिपेयर करते हैं। फ्रेंड्स, जब तक हम इसके चैनल को, दोनों चैनलों को आपको चेक करके बता देते हैं, क्योंकि उस सप्लाई में टाइम लगेगा, उसके सारे कंडेंसर खुलेंगे, उसके बाद में आपको उस सप्लाई का भी प्रोसेसर बताएंगे क्या दिक्कत है। लेकिन उससे पहले हम आपको इस चैनल के जो ज़रूरी आपके वोल्टेज हैं या फिर जो चीज़ चेक करने की ज़रूरी है, वो हम आपको चेक करके बताएंगे इसमें। तो मीटर को हमने कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर लिया है और उसके बाद में सबसे पहले हमको इसके जो यहाँ पे फ्यूज के पास में जो ये दो FR आते हैं, उन FR को हमको चेक करना है। ये एक साइड रीडिंग बता रहा है, एक साइड रीडिंग नहीं बता रहा, तो ये सही है। इस साइड भी ये एक साइड रीडिंग बता रहा है, एक साइड रीडिंग नहीं बता रहा। हमने इसके दोनों फ्यूज है जो हटा दिए हैं, फ्यूज पे आपको चेक करें, फ्यूज पे भी कोई रीडिंग नहीं है। और उसके बाद में सबसे ज़रूरी इसके IR, जो ये वाला शॉर्ट है, ये आपके रीडिंग बता रहा है और ये आपके डायोड BU, ये दोनों डायोड हैं,
ये दोनों एकदम सही बता रही है। उसके बाद में आपको यहाँ पे इसके ये जिनर हैं, ये जिनर चेक करने हैं, जिनर भी सारे एक साइड रीडिंग बताएंगे, एक साइड रीडिंग नहीं बताएंगे। और उसके बाद में इस साइड के आपको ये 70 एंटेन इसमें लगे हुए हैं बड़े वाले, वो भी आपको चेक करने हैं। ये भी एकदम सही है, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो आपके और इधर ये आपके डायोड भी चेक करें, डायोड भी ठीक है। इसका ये जिनर है, यहाँ जिनर ये भी ठीक है। तो दोस्तों अभी तो इसका ये इसमें जो एक ये 70 एंटेन है इस साइड वाला वो ख़राब है, वो उसको हम चेंज करेंगे। और इस जो ये कार्ड है आपके, इस कार्ड में भी ये जिनर लगे हुए होते हैं, उनको भी आप चेक कर लें एक बार। तो ये जिनर एकदम सही है, इनकी जो ये SMD होती है LM311, इसका ये नंबर होता है। इसके पीछे की साइड भी ये जो आपको दिख रहे हैं, ये डायोड है ये वाले, ये तो ऑटो कपलर है, ये वाली डायोड है, ये भी कई बार शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि इसको हमको सप्लाई ही सबसे पहले इसकी चेक करनी है, क्योंकि इसके सप्लाई में कंडेंसर इसका ख़राब है, जल गया था उस चक्कर में। इसके मोसपेड हैं, जो मोसपेड हैं वो तो एकदम अभी तो ठीक बता रहे हैं, इधर कोई शॉर्टिंग नहीं है, इधर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, मतलब इसके मोसपेड ठीक हैं। और इसके सप्लाई वाला जो 70 एंटेन है वो ख़राब है। इसके ये ड्राइवर जो ये हीट सिंक पे लगे हुए होते हैं, MJ 340-350 हैं, ये भी एकदम ओके है। फ्रेंड्स ये वाला चैनल तो ओके है, इसमें खाली एक ये 70 एंटेन है ये ख़राब है, बाकी इसकी सप्लाई है जो इसका DC प्रोटेक्शन है, बेस वोल्टेज है, वो आपको तो जब से इसका सप्लाई बनेगी तभी चेक हो पाएंगे, बाकी फ़िलहाल ये ओके बता रहा है। इसके साथ ही हम इसका ये जो दूसरा चैनल है, दूसरा चैनल है इसका, वो भी हम इसी तरीके से चेक करेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले इसके ये फ्यूज है, फ्यूज हटाएंगे, फ्यूज हटाने के बाद में इसका जो बैक साइड का है ये हम चेक करेंगे और दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये FR पे, FR पे रीडिंग सही आ रही है, फ्यूज भी इसके दोनों सही है, लेकिन इसके जो सप्लाई मोसपेड है ये चेक करने हैं, ये भी एकदम रीडिंग सही बता रहे हैं। दोनों साइड हो गए, इसकी ये डायोड भी सही है, ये डायोड मोसपेड होते हैं। तो फ्रेंड्स ये चैनल भी एकदम अभी तो ओके बता रहा है, लेकिन अब ये दोनों चैनलों की कंडीशन ये रहेगी कि इसमें जब आपको ये सप्लाई में लगेंगे तब आपको ये करंटली इसका जो भी वोल्टेज है वो चेक कराएंगे। उसके बाद में आपको ये स्टेज सेकंड का ये लिमिटर कार्ड है, ये स्टेज थर्ड का लिमिटर कार्ड है, आपको दिखाएं, ये स्टेज सेकंड का है, ये वाला स्टेज थर्ड का है। दोस्तों ये जो एम्पलीफायर आता है ये H क्लास प्रोफेशनल एम्पलीफायर है, H क्लास का है, मतलब इसमें लो हाई मीडियम तीन इसमें सप्लाई रहती है, लो वोल्टेज प्लस, मीडियम वोल्टेज प्लस और हाई वोल्टेज प्लस, ये तीन इधर हो गए
और ये तीन इधर है, लो, मीडियम और हाई। दोस्तों इसमें थ्री स्टेज की सप्लाई है। थ्री स्टेज के लिए फर्स्ट स्टेज तो ये होती है इसकी, सेकंड स्टेज के लिए ये आपका लिमिटर कार्ड है, और थर्ड स्टेज के लिए ये वाला लिमिटर कार्ड है। तो इसको लिमिटर कार्ड भी बोल सकते हैं, स्टेज पावर स्टेज के जो कार्ड हैं वो भी बोल सकते हैं, पावर सप्लाई के कार्ड हैं जो भी बोल सकते हैं इसको, जो भी है वो आप अपनी जो है वो उसमें बोल सकते हैं। और भी कुछ इसमें, जैसे कई रेजिस्टेंस है इसमें ख़राब हो रखी हैं, वो हम आपको चेक करेंगे। जैसे ये 10 ओम्स की रेजिस्टेंस है, ये ख़राब है। यहाँ पे इसकी कोई रीडिंग नहीं है। और यहाँ जो 10 ओम्स की रेजिस्टेंस है वो एकदम सही बता रही है। तो कई चीज़ें हैं वो इसकी सप्लाई लगेगी तभी पता चलेगा, सप्लाई बनेगी। सप्लाई में भी आपको चेक कराते हैं इसकी जो ये सप्लाई है, ये यहाँ से पूरा साफ कर दिया है। और इसके जो ये रेक्टिफायर है वो आपको चेक करें कि बताएं, तो ये भी एकदम ओके हैं, इनमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। कई बार क्या ये भी शॉर्ट हो जाते हैं जिससे कंडेंसर की दिक्कत आती है। बाकी ये जो प्रॉब्लम है ये कोई स्पार्किंग से हुआ है, ये भी एकदम ठीक है। फ्रेंड्स इसमें 15,000 80 वोल्ट के कंडेंसर लगे हुए हैं, और ये 4 पोल में है। ये सिंबल है जो ये 4 पोल का है, इसमें हम 4 पोल का ही कंडेंसर यूज़ करेंगे जिससे कि इसमें दिक्कत नहीं हो। यहाँ से ये प्रिंट भी ख़राब है, वो प्रिंट हम नया बनाएंगे और फिर इसको एम्पलीफायर में लगा के चेक करेंगे। बाकी ये फ्रेंड्स इसके जो कंडेंसर हैं, ये सप्लाई है इसकी, ओरिजिनल सप्लाई है। कैपेसिटर भी है, वो भी शानदार है, और इसका प्रेशर भी बहुत अच्छा आता है एम्पलीफायर का। ये आराम से आपके 4 टॉप 600 वाट के चला लेती है। और ये जो ख़राब कंडेंसर है उसकी कंडीशन आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जला हुआ है। ये स्पार्किंग कारण ही जला हुआ है, बाकी कंडेंसर एकदम ओके है ये, लेकिन ये फिर भी नया डलेगा। ये 4 पोल में है, 4 पोल, ये दोनों हो गए इसके पोलरिटी, और ये दोनों हो गए इसके स्टैंड जो फिटिंग के लिए आते हैं। तो दोस्तों इसको सप्लाई को तैयार करेंगे, उसके बाद में आगे की वीडियो आपको दिखाएंगे, और इस मशीन को ऑन करके इसके जो वोल्टेज वगैरह हैं और ये किस तरीके से काम करती है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो आप वीडियो में बने रहें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जिससे, और आपको बेल आइकन की घंटी दबानी है ऑल नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिल सकें। यहाँ पे आपके ये जो अर्थिंग के हैं, स्पीकर अर्थिंग के वो लगते हैं, तो उसको हम क्लियर कर देते हैं इनको। जिससे कि लगाने में दिक्कत नहीं हो। फ्रेंड्स वैसे ये बोर्ड अच्छा आता है, लेकिन फिर भी ये जल गया, हो जाता है कई बार। कई बार तो इससे भी कंडीशन ज़्यादा ख़राब आती है एम्पलीफायर की।
आपको ये पूरा बोर्ड साफ अच्छी तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स इसका हम कंडेंसर लगाएंगे, उसके बाद में आगे की वीडियो देखते हैं। ऊपर लम लगा SP1 एकदम ये कंप्लीट हो चुकी है एम्पलीफायर, और ये इसको फिटिंग करेंगे। दोनों चैनल इसमें प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और ये आपको कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। और दोस्तों इस गाड़ी में ये फिटिंग होगी। तो फ्रेंड्स ये C18 साउंड स्टैंडर्ड की ये सप्लाई हमने ठीक करी, दोनों चैनल ठीक करे और ये फिटिंग इसकी ओरिजिनल कर दी एकदम। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।